घंटे से बारिश लगातार जारी है और बारिश की वजह से बड़ी तबाही मची हुई है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और सीतामढ़ी में बाढ़ से हालात गंभीर हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खेत खलियान सब पानी में डूब गए हैं, घरों में पानी घुस गया है, सड़कें पूरी तरह सैलाब में डूब गई हैं, गांव का शहरों से संपर्क टूट गया है। बाढ़ से पूरे राज्य में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है जबकि 17 लोग लापता हैं। गंगा, कोसी और महानंदा नदी उफान पर हैं। बिगड़ते हालात से निपटने के लिए नीतीश सरकार ने सेना की मदद मांगी है। केंद्र से एनडीआरएफ की 10 टुकड़ियां भी मांगी गई हैं। वहीं एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुट गई हैं। मुख्यमंत्री आज खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे और राहत और बचाव काम का जायजा लेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी है और पिछले 72 घंटों में से जो लगातार बारिश चालू है उसके चलते और हालात बिगड़ गए हैं। चाहे कटिहार की बात कीजिए, दरभंगा की कीजिए, नरकटियागंज की कीजिए, मोतिहारी, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, हर तरफ पूरा जो सब जलमग्न हो चुका है। गांव का संपर्क टूट गया है, बिजली नहीं आ रही है, लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार आज हवाई सर्वे करेंगे और लोगों की मुसीबतों का जायजा लेंगे, राहत बचाव के कार्यों में तेजी लाएंगे। एनडीआरएफ की टीमें पहुंच रही हैं, आर्मी को लगा दिया गया है, लेकिन हर तरफ पानी है और मदद करने में भी बहुत मुसीबतों का सामना आर्मी को और सेना को करना पड़ेगा। बिहार के किशनगंज में सैलाब से भारी तबाही मची है। शहर के अंदर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। बाढ़ के कारण किशनगंज सिलीगुड़ी रेल मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया है। कटिहार से सिलीगुड़ी रेल ट्रैक पर पानी भरने से रविवार को 18 से ज्यादा ट्रेन को रद्द करना पड़ा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ट्रैक पानी में बुरी तरह डूब गया है। पटरियों का कहीं नामो निशान तक नहीं दिख रहा। जहां तक आपकी नजरें जाए हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप सोचिए लोगों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई इमरजेंसी होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, लोगों को काम पे निकलना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, और इस तरह से अगर पूरे पूरे गांव, पूरे पूरे शहर जलमग्न हो जाएंगे तो आपका पूरा आवाजाही ही एक तरह से रुक जाती है और आप एक ही जगह पर कैद हो जाते हैं। पूर्व से बैक रोल के कारण कुछ डाउन स्ट्रीम में कटे हुए भाग को सुरक्षित कर लिया गया है, अभी उस पर कोई खतरा नहीं है। अपस्ट्रीम में पानी का दबाव है, इसके अलावा दुलारी डिजाइन लाइन के अपस्ट्रीम में पानी का दबाव है, इसके अलावा 2675 के आसपास हमारा भी सुरक्षित है, पूरा कार्य क्षेत्र हमारा सुरक्षित है।